judai mahiya. जैना, जैना बेटा उठो, नाश्ता कर लो, उठो मेरी जान, उठो जैना। ओह माय गॉड, इतना तेज बुखार। हमीदा, हमीदा ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। ओह मेरी जान, तुम्हें तो इतना तेज बुखार है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, ओके? अस्पताल जा रहे हैं हम, मैं अभी आई, ओके? खाली खाली नैन माया, आए नहीं चैन माया। क्या क्या हुआ जैना को? बुखार बहुत तेज हो गया बेटा उसका, बेहोश हो गई थी तो मैं अस्पताल ले आई गई। मगर सुबह तक तो बेहतर थी वो। मैं उसके पास ही थी, बट बुखार इतना तेज था कि मैंने बेहतर समझा के अस्पताल ले आऊं। तो डॉक्टर्स डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अंदर ले गए हैं चेकअप वगैरह के लिए, ब्लड टेस्ट करेंगे, अभी तक कुछ बताया नहीं है। जरियान, फिकर मत करो, जरा ठीक हो जाएगी बेटा। हाँ आओ, आओ बैठो मेरे पास। कभी कभी हो जाता है बुखार इतना तेज। हेलो जी भैया, मैं बस आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब कैसी है जैना? देखिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, इनके तमाम टेस्ट क्लियर आए हैं। शायद कुछ खाया पिया नहीं था, इस वजह से कमज़ोरी बढ़ गई थी। हमने इन्हें ड्रिप लगा दिए तो इनका बुखार भी उतर गया है। ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि बीपी बहुत लो हो गया था। फिजिकली तो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं ये, लेकिन शायद किसी बात का स्ट्रेस है इन्हें। सर आप इनकी खुराक का ख्याल रखें, कुछ दवाएं मैंने लिख दी हैं वो इन्हें टाइम पे देते रहें और कोशिश करें कि स्ट्रेस ना लें। थैंक यू वेरी मच। अब साहब हम उसे देख सकते हैं? प्लीज श्योर। थैंक यू। हाँ सर, भैया आप कब तक इस तरह यहाँ पर रहेंगे? जब तक वो लोग वहां हैं, तो इसका मतलब है हम दोबारा एक नहीं हो सकते। आप घर वापस नहीं आएंगे। यमी के हाथ में क्यों नहीं ज्यादा चीज कौन है? तुम्हें क्या लगता है हमसे? मैं यहां रह के खुश हूं? मैं तुमसे, अम्मी से, अपने घर से दूर, तुम सबकी याद नहीं आती? जब भी मैं सोचता हूं कि अम्मी के पास जाके उनसे दोबारा बात करूंगा, वो मेरे सामने खड़ा हो जाता और फिर दोबारा अम्मी पे गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें उन पे नजर रखने के लिए कहा था। घर में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा भैया, मैं क्या बताऊं? मेरे लिए तो खुद वहां पर एक एक मिनट गुजारना टॉर्चर से कम नहीं। ऑनेस्टली अगर आपने मुझे वहां रुकने का ना कहा होता तो मैं कब का लाहौर जा चुका होता। बच्चों वाली बात मत करो, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। लेकिन भैया मेरा सेमेस्टर वेस्ट हो रहा है। तो कराची में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो। तुम चले गए तो मेरी पोजीशन वीक हो जाएगी। आई नीड यू हियर। तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना है। क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? सना कैसी बातें कर रही है? मरने क्यों नहीं देते आप लोग मुझे? ऐसा मत बोलो बेटा। सना अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा?
अपने साथ इतना जुल्म मत करो प्लीज। देखो ज़ीना, जिंदगी में हादसे तो हो जाते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान हिम्मत हार दे। इधर देखो, हिम्मत मत हारो मेरी जान, हम सब तुम्हारे साथ, अपनों का साथ हो तो हिम्मत आ ही जाती है, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, मैं जीना है बेटा। खाली खाली नैन माया, आए नहीं चैन माया, आंसुओं में डूबी हुई मैं तो दिन रैन माया, है दुखड़े देना जुदाई माहिया, वे मैं ता देवा दुहाई माहिया। तो हिम्मत ना हारो बेटा, जरा ठीक हो जाएगी। मैंने ये सब कुछ अम्मी के साथ होते देखा है, अपनी आंखों के सामने उनको खत्म होते देखा है मैंने। मैं नहीं चाहता ज़ीना के साथ भी हो सब कुछ। कुछ नहीं होगा, उसका डिप्रेशन वक्ती है, हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगी बेटा। मैं तो समझता था कि वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, पर उसने तो हिम्मत हार दी। इतने अरसे वो मजबूत रही, आज टूट गई। अपने विशाल से ज्यादा बर्दाश्त कर ली थी ना उसने अपने अंदर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया है आज तक, सेना को नहीं खोना चाहता। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। अरे तुम कब आए बेटा? याद आ गया आपको कि मैं भी इसी घर में रहता हूं? ये तुम क्या कहते रहते हो हर वक्त? आया था आज, कुछ बताया उसने क्या खिचड़ी पकड़ी है? नहीं उसे कुछ नहीं पता। मुझे तो अब हमजा पे भी शक होने लगा है। ये क्या कह रही है? खुद बताइए, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो हर वक्त ननाहिल के यहाँ होता है। उसको इतना नहीं पता कि जुनेद अंकल और जरियान में क्या प्लानिंग चल रही है। एक के बाद एक वो लोग हम पर वार किए जा रहे हैं, हमारी रातों की नींद हराम हो गई है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। हमजा नादान सीधा है, किस तरह बातें निकलवानी है उसके लिए आसान नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वो जान के अनजान बन रहा है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। जब एक सगी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है तो वो तो फिर भाई है। हैदर हमजा बहुत बड़ा हुआ है, छोटे हमेशा माँ के लाडले होते हैं, फिर मनाहिल से इतनी करीबी दोस्ती और फिर ज़ीना, कहीं सारी हमदर्दी वो ना ले जाए। वो वहां परेशान है, जाना चाहता है, मेरे कहने पे रुका हुआ है। I'm really sorry हैदर, मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। इतना कुछ हो जाने के बाद किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है हैदर, वो लोग हमसे हमेशा दो कदम आगे होते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि
सारे पहलुओं पे गहरी सोच डालूंगी। अगर मेरी बात बुरी लगी तो आई एम रियली सॉरी। ऐसे कोई बात नहीं। Are you sure? Yeah, sure. Sorry. प्लीज बेटा यहाँ आके बैठो, एक दूसरे से बात करेंगे तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा ना। आप बैठो। देखो बेटा, जरियान ज़ैना की वजह से बहुत परेशान था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम उसे अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने हमें बताया कि ज़ैना का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हुआ। क्या हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं? अच्छा ये बताओ तुम लाहौर के बारे में क्या सोच रहे हो? तंग आ गई हैं उससे, मुझे भी यहाँ से भेजना चाहती हैं ताकि अपने नए बच्चों के साथ आपको वक्त मिल जाए गुजारने के लिए। हमसा, तुम्हारी और हैदर की जो जगह मेरे दिल में है वो कोई और ले ही नहीं सकता। I can see that. भैया यहाँ से चले गए हैं घर छोड़ के और आपको फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ हूँ इसकी, मैं जानती हूँ कि मैं उसको कितना याद करती और उसके जाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप चाहें तो उन्हें वापस बुला सकती हूँ, लेकिन मैं हैदर को किसी शर्त की वजह से नहीं वापस बुला सकती। ठीक है, अड़े रहें आप दोनों अपनी जिद पे और बर्बाद कर दें इस फैमिली। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ तुम दोनों को कि हमारी वो फैमिली अब नहीं रही, हमारी 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 फैमिली में नए लोग शामिल हो गए, इसलिए हम सबका एक होना बहुत जरूरी हो गया बेटा। अम्मी आपने हमसे ना कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा ली हैं, हमारे हमारे दिल इतने बड़े नहीं। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम हमजा, तुमने जो रूप धार लिया ना वो तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर का हमजा कोई और है, ये नहीं हो तुम। तुम आज भी ज़ैना के लिए बहुत फिक्रमंद हो, ये जानती हूं मैं। देखो बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं एक मां हूं, माँ अपने बच्चों की रग रग से वाकिफ होती है। तुम क्या समझते हो कि मुझे इंसानों की पहचान नहीं है? मैं जानती हूं कि हैदर समझता है कि मैंने बहुत गलत फैसला किया है, वो नाराज है मुझसे, लेकिन तुम तो समझते हो ना मुझे। मैं जानती हूं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं ये भी जानती हूं कि तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, हमजा। ठीक है, जो कुछ भी डिसाइड हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आज घर पे ही हूं। थैंक यू। हाय। सलाम अलैकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे?
मैं तो ठीक हूँ, बस सेना की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? डिप्रेशन में चली गई। आप प्लीज बैठिए। मेरे ख्याल में सेना के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना काफी डिफिकल्ट हो गया। सारा दिन कमरे में बंद रहती है, न सही से खाती है, न पीती है, न ही किसी से मिलती। उसका यह हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। मुझे पता था कि वो दुखी है, लेकिन वो इस हद तक डिप्रेस हो जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। मैं भी उसकी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। जब भी कोशिश करता हूँ मेरा गुजरा वक्त मुझे और चकर लेता है। इतना मत सोचो, ज़ैना को बहुत बड़ा झटका लगा। उसका और हमजा का रिलेशनशिप ऐसे कोई दोस्ती या फिर यूनिवर्सिटी का रोमांस नहीं था, वो एक्चुअली सीरियस थे एक दूसरे के साथ। बल्कि हमजा तो उसे अंगूठी भी पहना चुका था। आपकी अम्मी के इंतकाल के बाद हमजा चाह रहा था कि वो जल्द से जल्द उससे निकाह भी कर ले। बात इतनी आगे बढ़ गई और मुझे पता भी नहीं चला। एक लड़की के लिए ये सब डिस्कस करना अपनी माँ या बहन से थोड़ा इजी होता है, वो अगर चाहती भी तो आपको नहीं बता पाती। जब इंसान की पहली मोहब्बत अधूरी रह जाती है तो वो टूट जाता है। सेना के केस में तो उसकी मोहब्बत ही उसके लिए नासूर बन गई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसके सारे जख्म भर जाएंगे। हम लोग जितना उसका साथ देंगे उतना अच्छा है, बस उसे खुश रखने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी, बहुत अपनाइयत है। थैंक यू। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, वेर फ्रेंड्स। और तुम ज़ैना की फिक्र ना करो, जैसे वो ठीक होती है मैं उसे घर से बाहर ले जाने की कोशिश करूंगी। शील फील बेटर। थैंक्स। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, वो हैदर से मैसेज करके पूछा था कि खाने पे आ रहे हैं या नहीं। तो आ रहे हैं वो खाने पर? नहीं, उनके तो दिल में खौफ बैठ गया कि अगर दो मिनट के लिए भी ऑफिस इधर उधर हुए तो जरियान कुछ ना कर बैठे। बात तो ठीक है। नहीं तो ये बात समझ में नहीं आ रही, उन दो टके के लोगों का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा? वो हमारी सोच से भी ज्यादा तेज है। वो कहीं नहीं जाएंगे, बंटवारा कर ही जाएंगे। और महर का वो घर, जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि वो भी इनके हवाले हो जाएगा। पागल हो गए तुम? तुम्हें उस घर की कीमत का अंदाजा है? मामा वो हैदर की अम्मी का घर है। लेकिन उनकी बात तो हैदर का बनता है ना। अपने शोहर की तरह अगर अपनी जिंदगी में वो किसी और के नाम कर गई तो हम क्या बिगाड़ लेंगे उनका? ओह माय गॉड, ये तो बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। हमने तो ये देखकर शादी की थी कि सिर्फ दो बेटे हैं, जो कुछ भी है इन दोनों का होगा। ये तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। खैर, हैदर अच्छा खासा कमा लेते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो, ये सब भी बहुत जरूरी है। और तुम दोनों के नाम भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वैसे भी उस घर पे हैदर का हक तो बनता है ना। तो क्या करें हम, हमारी सुनते ही कौन है? मैं तो कहती हूँ तुम उस घर से पूरी तौर पे नाता मत तोड़ो। मामा आप कभी कहती हैं कि उस घर से दूर रहो,
कभी आप कुछ कहती हैं, आप चाहती क्या है मुझसे? वो बात को समझने की कोशिश करो, कभी कभार हालात अवाज के मुताबिक अपनी सोच बदलनी पड़ती है। देखो बेटा, उस घर पे नजर रखना बहुत जरूरी है, हमजा से तो कोई फायदा हुआ नहीं। मैं तो कहती तुम वहां चक्कर लगाती रहा करो, बस मेहर को अपने कॉन्फिडेंस में ले लो, उसका भरोसा जीत लो और उसे समझाओ कि तुम हैदर को समझाओगी। बेटा हमें पता होने चाहिए उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। जो भी काम करो बहुत होशियारी और समझदारी से, समझ रही हो ना तुम? You're right. बैठे बिठाए की मुसीबत, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। काम नहीं, मुझे लगा अंदर से शायद कोई आवाज आई है, तो मैंने कहा शायद कुछ आई हो। हमजा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, I have to go right now. अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए? जी, कोई आया हुआ था क्या? हाँ वो बीने शायती नेबर से। आलिया घर पे नहीं है? आलिया बाजार गई भी, अभी आती होगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी नींद पूरी हुई? जी। मुझे तो बस सिर्फ तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, ना तुम सही से खाना खाते हो ना सो पाते हो। पता नहीं मेहर ने भी तुम्हें किस अजाब में डाल दिया है। अच्छा खैर जाओ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय भिजवाती हूँ, ठीक है? शुक्रिया। हमजा। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नहली आई अभी तक? नहीं बस अभी आती ही होगी, तुम तो बैठो ना। जी आंटी, थैंक यू। और बताओ घर में सब खैरियत है? आंटी आपको तो सब पता ही है। हाँ पता है मुझे, पता नहीं किसकी नजर लग गई उस घर। मैं तो हर वक्त यही दुआएं करती, मुश्किल वक्त है जल्दी टल जाएगा। वो लोग अभी तक इधर ही? जी। पता नहीं ये तमाशा कब खत्म होगा। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र रहती है, और ये फैसला भी मेहर का ही था। क्या कर रही है क्यों कर रही है वो ही जाने। हैदर तो अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया, कम से कम उसके पास कोई तो है ना बात करने। लेकिन तुम तो बिल्कुल अकेले रह गए ना। अरे हाय। अच्छा हुआ तो बात, तुम दोनों बातें करो मैं चाय। तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले आया। तुम मुझे मैसेज कर देते। किया था? Really? I didn't check. क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे होते हुए मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ ना। कुछ हुआ है? अब तो रोज की कहानी बन गई।
ज़ेना की तबीयत कैसी? पता एक छत के नीचे रहते हुए तुम्हें नहीं पता कि उसकी तबीयत कैसी? To be honest, मनाहिल, I don't care anymore. हमजा वो बहुत बुरे हाल में है. Do you know that? I know, मनाहिल. मैं मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल है. You understand, right? एक घर में एक छत के नीचे उसके साथ रहना मुझे भी अंदर से मार रहा है. मैं उससे नफरत करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता. क्यों नफरत करना चाहते हो? जब तुम्हारा अपना दिल ही नहीं मान रहा तो जबरदस्ती क्यों नफरत करना चाहते हो? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है. बिल्कुल है हमजा, रास्ता हमेशा होता है अगर उस पर चलने की हिम्मत हो तो. क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा था कि एक तरफ घर का चक्कर लगा. क्यों? जब से मैं यहाँ आया हूँ एक दफा भी अम्मी से बात नहीं हुई. उन्होंने काफी कॉल्स की है लेकिन मैंने. हाँ तो आप उनसे नाराज हैं? वो भी तो मनाने आ सकती थी, उन्होंने तो कोशिश तक नहीं की. लेकिन आने में कब तक नाराज रहूंगा? जिंदगी भर के लिए अपनी अम्मी से नाता तो नहीं तोड़ सकता. और पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये लम्हे भर की नाराजगी कहीं जिंदगी भर का पछतावा ना बन जाए. हेजल, मैं जानती हूँ आप आंटी को बहुत याद करते हैं और क्यों नहीं करेंगे, आपकी माँ है. लेकिन इससे ज़ैना और ज़रियान की हकीकत तो नहीं बदलती ना. अगर आप वहां चले गए तो वो इसे आपकी कमजोरी समझेंगे, आंटी को मजीद अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे. आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन भाई और माँ की मोहब्बत में कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए. मैं तो सिर्फ मिलना चाह रहा था. ठीक है, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि आंटी आपकी कमजोरी है, इसीलिए उन्होंने उनको काबू में किया हुआ है. अगर आप वहां चले गए तो समझ ले खेल खत्म. और आपको क्या टेंशन है आंटी की? ना मैं उनसे जाया करूंगी मिलने के लिए. आप खुद को इस पोजीशन में ना डाले, जब मैं हूं आपके पास मैं जाया करूंगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, फिर तो आपको तसल्ली होगी ना आंटी की तरफ से. तुम कितनी अच्छी वाली हो, मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती. मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ. कितना टाइम हो गया आपको खुल के मुस्कुराते हुए नहीं देखा. ऐसा लगता है हम दोनों कहीं खो से गए हैं. I'm sorry, आलिया. इस सब में इतना उलझ गया हूँ मैं कि मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे सका जो एक नई बीवी एक नई दुल्हन को देना चाहिए. मैं कोशिश करूंगा कि हम दोनों के लिए वक्त निकालूं. मैं कहीं जा तो ही रही, हमारी जिंदगी तो साथ है ना. डोंट वरी, सब सही हो जाएगा. यस बेटा, मैं सोने जा रही थी, मैंने सारा लॉक कर दिया है. तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं अम्मी, मैं भी सोने लगी हूँ. थैंक यू. बेटा वो मैं कह रही थी, हमजा आया था, बहुत परेशान लग रहा था, तुम उसे यहीं बुला लिया करो. अम्मी वो वैसे भी तो आ जाता है. वो मैं ये कह रही थी कि वो तो कभी कभार आता है, उसका जब दिल चाहे वो यहाँ के रह ले, अगर वो वहां बहुत परेशान है तो. अम्मी आपको ज़रियान और ज़ेना के यहाँ रहने पे इतना
اعتراض تھا کہ گھر میں جوان لڑکی ہے اینڈ واٹ ناٹ. آئی مین حمزہ کے لیے ڈفرینٹ رولز ہیں. حمزہ کی بات اور ہے کیونکہ حمزہ اپنا بچہ ہے, گھر کا بچہ ہے, اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اچھا سنو, وہ ابھی بھی اپنی لاہور والی لڑکی کے چکر میں؟ کیا بات ہے؟ نہیں, وہ اب ساتھ نہیں ہے. ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. ویسے میں تمہیں بتا رہی ہوں, تمہیں بہت پسند کرتا ہے. میں بات آگے بڑھاؤں؟ امی پلیز ایسا مت کریے گا. ویسے بھی زینا اور حمزہ اس وقت بہت ڈسٹربڈ ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی بات چھیڑ دی تو پھر بہت کمپلیکیشنز ہو جائیں گی. کون؟ زینا؟ زینا کہاں سے آ گئی؟ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اسے کچھ چھپا رہی ہو تم؟ نہیں کچھ نہیں. تو بولو کیا بات. امی اوکے, میں آپ کو بتا دوں گی, لیکن آپ کو مجھ سے پرومس کرنا ہوگا کہ آپ حمزہ یا مہر آنٹی یا پھر کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گی. پلیز. نہیں بتاؤں گی. بتاؤ کیا بات ہے. امی زینا وہی لڑکی ہے جس سے حمزہ شادی کرنا چاہتا تھا. کیا؟ ہاں دیکھیں قسمت نے کیسا کھیل کھیلا ہے ان لوگوں کے ساتھ. جب سے یہ حقیقت کھلی ہے تب سے وہ دونوں اتنے ڈسٹرب ہو گئے. زینا تو ڈپریشن میں چلی گئی ہے. یہ بات مہر کو پتا ہے؟ تو اس نے کس طرح اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے ابھی تک؟ اس کا اس میں کیا قصور ہے امی؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ لڑکی کتنی چالاک ہے. اچھا ہوا میں نے اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھا, اور اگر رکھتی تو یہ کیا گل کھلاتی. ہاں امی میں کیا آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ کیا باتیں کر رہی ہیں. تمہیں زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے, تم تو دور ہی رہو. یہ مہر ہے نا, اس کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے. حمزہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے, جو دور ہے وہاں سے, خاندانی لڑکا ہے نا. ہیرا ہے ہیرا, تم لکھ لو میری بات. امی مجھے نیند آ رہی ہے, سونا ہے. شب خیر بیٹے. کیسی ہو؟ سندھا. اتنی مایوس کیوں ہو گئی تم؟ تم مجھ سے کیسے سوال کر سکتی ہو؟ دیکھو مجھے پتا ہے کہ جو بھی ہوا تمہارے ساتھ بہت برا ہوا, لیکن اب تم ساری زندگی تو حمزہ کی یاد میں نہیں گزار سکتی نا. میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتی. مجھے حمزہ کو کھو دینے کا اتنا دکھ نہیں ہے, لیکن اس کے اس بہتان نے مجھے بہت دکھ پہنچایا. اس نے ایک پل کے لیے بھی میری عزت نہیں رکھی. کیوں یاد کروں میں اسے؟ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں تم سے. جس انسان کو تمہاری قدر ہی نہیں ہے, تم پہ بھروسہ نہیں ہے, تم
क्यों अपने आप को मारे चले जा रही है उसके पीछे। एक लड़की पे तोहमत लगाना बहुत आसान होता है और खुद उस बोझ से आजाद हो जाना। तुम्हारा दिल तो साफ है ना, तो फिर तुम क्यों उसे अपनी अथॉरिटी दे रही हो कि वो तुम्हें हर्ट करता चला जाए। ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है, तुम इस सबसे बाहर निकलो। जब रिश्ते टूटते हैं तो नए रिश्ते भी तो बनते हैं ना। मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त। सुने? कहो। वो आपको पता था हमजा और ज़ैना का अफेयर चल रहा है लाहौर? क्या? जी हाँ, मुझे मनाहिर ने कल ही तो ये बात बताई। देखा आपने ये कैसे लोग निकले और आप इनके आगे पीछे जा रहे। मनाहिर ने तो मुझे पहले ही बताया था कि हमजा किसी को चाहता है लाहौर में, उससे शादी भी करना चाह रहा था, और जब वो यहाँ आया तो पता चला। हाँ तो इसमें उन दोनों की क्या गलती है? वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, शायद कुदरत ने उनका ऐसे ही मिलना लिखा था। आप पे क्या जादू कर दिया उन लोगों ने? हाँ, आपको तो उनकी कोई बात बुरी लगती ही नहीं। क्योंकि मेरा दिमाग तुम्हारी तरह हर वक्त उल्टी सीधी बातें या तरकीबें नहीं सोचता। वैसे वो दोनों अच्छे बच्चे हैं। आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, अपनी बेटी के बारे में भी कुछ सोचेंगे? मनाहिल का क्या सोचना? देखिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमजा और मनाहिल की बात छेड़ने का। कैसी बातें कर रही है? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? और तुम मनाहिल का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? क्योंकि वो मेरी बेटी है। आपको तो बस उन लोगों की परवाह रहती है ना, अपनों का तो ख्याल ही नहीं आपको। अच्छा रहन, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। हाँ तो कर लो ना भाई, जो जी में आए करो, मैंने कब रोका है? आपको पता है कल हैदर बड़े इमोशनल हो गए थे, घर वापस जाना चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने। क्या कहा तुमने? मैंने यही कहा कि सब के किराए पे पानी भिज जाएगा। मैंने ये भी कहा कि अगर इतने ही उनका मिलने का दिल चाह रहा है तो आंटी खुद भी तो आ सकती थी ना हमसे मिलने। आई थी वो यहाँ पर। कौन? आंटी? हाँ। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं अम्मी? इसलिए कि मैं जानती थी हैदर जब अपनी माँ को देखेगा तो जज्बात में आके कोई फैसला ना कर बैठे। तुम घर पे थी नहीं और हैदर सो रहा था, संभाल लिया मैंने और भेज दिया बगैर मिलाए। अब समझ रही हो तो मेरी बात? हैदर और मेहर को जितना दूर रखो उतना अच्छा है, कहीं ममता बाजी ना ले जाए। ठीक कह रही हैं। इसलिए कह रही हूँ कि दो चार रोज में जाकर देखो आखिर वहां चल क्या रहा है। देना जुदाई।